अरे पावर बहुत अच्छा है अफसर उनके पास बयान देते हैं वो करते हैं ये कह हमें इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है कुछ नहीं है हम बोलते हैं खाली हमें पावर आप डिस्क करो क्यों जो फेरोजपुरा चौबीस घंटा पावर दे टूरिस्ट प्लेस है ये फिरोजपुर नाला जहाँ से अंग्रेज़ टूरिस्ट लोग आते हैं उनको अंधेर नगरी बना दिया फेरोजपुरा महेंद्रंग और काजीपुरा कुटीपुरे को हमें समझ नहीं आता इतना क्या हमारे साथ हमने क्या गुनाह किए हैं कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है बाकी बोलेंगे साहब लोड कम करो मैं बोलता हूँ वो कौन सा घर है जिसमें आज बैलर दो घंटा नहीं चाहिए चले जरूरत है इस वक्त क्योंकि मौसम ठंडा होता है यह लोगों को भी सबका खैर मुकदमै आपका दोस्त अशरफ राहीजरीन जहाँ मौकमा पी डी ने, ने बिजली के बिलों को बढ़ाने की कोई कसर पीछे नहीं छोड़ी है वही लोग आज भी परेशान है बिजली के लिए तरसते हैं लोगों का कहना साफ साफ है कि 24 घंटे में अगरचे हमें मौक में पी डी डी की तरफ से 8 घंटे का शेड्यूल दिया गया था लेकिन 8 घंटे भी हमें 24 घंटे में बिजली नहीं मिलती है इसी हवाले से आज अलाका ही टंगमरग के कुछ गाँवों ने खासकर फेरोजपुर काजीपुरा महन कट्टीपो के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है मकमे पी डी डी के खिलाफ लोगों का इल्ज़ाम आ रहा है मकमे पी डी डी के ऊपर कि अपने बनाए हुए शेडूल के तहत भी हमें बिजली फराहम नहीं की जा रही है वही अगर हम बिलों की बात करेंगे तो बिल बिजली बिल का जो रकम है वो आसमान छू रहा है मज़ीद इस ज़मन में हम यहाँ के मुकामी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे मेरा नाम हिलाल अहमद रिशी है मैं फिरोजपुरा फेरोजपुर से बिलोंग करता हूँ देखो जो 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 शेड्यूल उन्होंने बनाया है वो उस शेड्यूल के मुताबिक वो भी नहीं पक नहीं चलते हैं। चार घंटे के बाद दो घंटे पावर वो उस पर भी नहीं चलते है बराबर हमारी मांग है या तो हमें पावर सप्लाई बढ़ा दिए जाए वरना यार ना हमको डिस्कनेक्ट कीजिए हम जिंदगी बसर करेंगे हमें कोई जरूरत ही नहीं है पावर की मुश्किल ये है कि आपको पता है कि हम पहले टंग के साथ से वहाँ से भी उठा दिया अभी समझो शरूड बनाए यानी मैंने मैंने मैं अड़तालीस साल का हूँ मैंने पहली बार ये देखा कि चार घंटा बंद और दो घंटा पावर नहीं तो अगर विंटर में थोड़ा पावर सप्लाई कम होता था तब भी चार घंटा होता था हमें टंग फिरोजपुरा को मायन दरंग मायन फिरोजपुरा को होता है कम कम से कम चार घंटे होते हैं दो घंटा कट भी था मगर आज हमें यह नहीं मालूम होता है कि यह क्या बात है कि मतलब दो घंटा गेंट, दो चार घंटा बंद आज रात को आठ घंटा बंद दो घंटा पाओ हमें समझ नहीं आ रहा है फलानी हो जाएगा, फला हो जाएगा। यही बस यही दलीलें बताते हैं को सफर करवाते हैं बस यही बात है और कुछ नहीं डिमांड यह है मैं पांच गाँव की तरफ से बोल रहा हूँ फेरोजपुर फेरोजपुरा काजीपुरा सुलन और वो कुटीपोरा इनके बारे में इनको आप हूँ कर, हमें पावर नहीं चाहिए हम काशि पे वन बहुत करो चालू क्या सूर्य असल इस वक्त जो इस वक्त पावर चल रहा है उस अच्छा हमें वही लकड़ी हम जलाए वही लकड़ी हम जलाएं कि जो मतलब हम ये फीस वी देने और से भी बढ़ावी किया ये नहीं सोचा कि गरीब लोग है। गरीब लोग है फीस में भी बढ़ाई पावर है ही नहीं फीस कब बढ़ावती किया ऐसा नौ सौ दे दो पंद्रह सौ दे दो हम ना फीस देने दे वाले, वाले नहीं, नहीं हैं क्योंकि हमें सत्रह साल से मीटर लगे हुए हैं हमें दो घंटा पावर बाईस घंटा मतलब बंद रहता है हमें नहीं पावर ही नहीं चाहिए हमें डिपार्टमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ कुछ लड़ाई नहीं है हमें पावर है ही नहीं चाहिए ही नहीं ना हम फीस देने वाले हैं ना हमारे गाँव में बिल आना चाहिए ना हमें कुछ आना चाहिए बस हम लास्ट में बोलते हैं कि बाकी आप बोलेंगे चाहिए बार से कल करेंगे परसों पता है जब पानी बढ़ जाएगा पावर आएगा ये खुद खुद भी खुद आएगा इन ये सोते रहते हैं विंटर में हमने दस बार या हमारा दसवा चक्कर है यहाँ बस कल ऐसा करेंगे परसों वैसा करेंगे ऐसा करेंगे हम इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है कोई लड़ाई नहीं है बस पावर बंद बंद बस ये हमारा लास्ट है एच डी एम के पास गया था बिजली के मसले के लिए तो उन्होंने रिटर्न लिख के दिया वहाँ पर इस आई डबल ई को रिजॉल्व द इशू टुडे इमीजिएटली मगर यहाँ पर तो इसको कोई कदर ही नहीं करता है ये नहीं मानते यहाँ पर इस उसका भी हेड है वो तो नाजरीन ये बात कर रहे थे हमारे साथ इलाका ही टंगमर के कुछ मकामी बाशिंदे जिनका साफ साफ कहना है कि महकमे पी डी डी ने जो खुद ही शेड्यूल बनाया है उसके हिसाब से भी हमें बिजली फराहम नहीं होती है वही जब हम बिलों की बात करते हैं तो बिलों की जो रकम है वो आसमान छू रही है लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों का साफ साफ कहना है कि अगर एक हफ़्ते के अंदर अंदर हमें बिजली सही तरीके से फराम नहीं की गई है तो हम बिल्कुल बिजली बिल देने से बाईकाट करेंगे हमारी डिमांड फिर में से ये रहेगी कि आप हमारे जो एग्रीमेंट से उनको डिसकनेक्ट कीजिए हमें फिर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी नहीं है साफ साफ मुकामी लोगों ने कहा है कि अगरचे फेरजपुर काजीपुरा और माह कट्टी पोरा ये गाँव अगरचे टूरिस्ट प्लेस की हैसियत रखते हैं तौर तो पर गवर्नमेंट की तरफ से इनको गेस्ट हाउसेस के लिए लोन भी दिया गया है गेस्ट हाउसेस तैयार है लेकिन कोई गेस्ट उन गेस्ट हाउसेस में ठहरने के लिए तैयार नहीं है न सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर ट्वेंटी फोर इंटू सेवन जो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए थी जो बिजली होनी चाहिए थी वो दस्याब नहीं है मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त अल्लाह निगेबान